कहानी अब तक की। आर्क स्टेशन आसमान में है जिसमें धरती के लोग रहते हैं। उन्होंने रेडिएशन के कारण धरती को छोड़ दिया था। अब आर्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो 100 बच्चों को जो कि उनकी नजरों में अपराधी थे धरती पर भेजते हैं। धरती पर ये बच्चे अपने आप को आजाद समझते हैं और आर्क से जुड़ने वाले एकमात्र लिंक रिस्ट बैंड को तोड़ देते हैं। दो ग्रुप बन जाते हैं, एक क्लार्क के साथ है, दूसरा बेलेमी के साथ। धरती पर जैस्पर घायल होता है पर किसी अनजान शख्स द्वारा उसे ठीक कर दिया जाता है। क्लार्क की खुद की 1 साल पहले की कहानी है जिसमें उसके पापा जैक को ऑक्सीजन की कमी के कारण आर्कवासियों को बताने के कारण मार दिया जाता है। नीचे वेल्स जो कि चांसलर का बेटा है उसे उसके पापा के सख्त कानून के कारण शॉर्लेट द्वारा मार दिया जाता है। अब आगे क्लार्क वेल्स की कब्र के पास बैठी है। फिन वहां आता है। वे दोनों वेल्स की बातें कर रहे हैं। क्लार्क काफी दुखी है कि उसकी मॉम ने उसके पापा के साथ धोखा किया। आर्क पर क्लार्क का भी बैंड से संबंध टूट जाता है। ऐसा क्लार्क ने गुस्से से किया है। एबी को यकीन है क्लार्क नहीं मरी क्योंकि 1 हफ्ते से कोई भी बैंड टर्मिनेट नहीं हुआ था। धरती पर कैंप में क्लार्क ने अपना बैंड मोंटी को दे दिया है क्योंकि उसे रेडियो ठीक करने के लिए चाहिए। बाहर सभी कैंप की दीवारें बना रहे हैं जिससे उन्हें सुरक्षा मिल सके। मॉर्फी सबको इस काम के लिए धमकाता है। ऑक्टेविया जैस्पर को लेकर घूमने जाना चाहती है। वो आगे बढ़ती है, झाड़ियों के पीछे से चिल्लाती है। जैस्पर दौड़ता है, देखता है एक लड़का ऑक्टेविया को चिढ़ा रहा है। जैस्पर हड़बड़ाता है और गिर जाता है। जैस्पर और ऑक्टेविया को वहां कटी हुई उंगलियां और चाकू गिरा हुआ दिखाई देता है। आर्क पर एबी मेगा स्टेशन जा रही है। केन से रोकर पूछता है, तुम 1 हफ्ते में 9वीं बार मेगा स्टेशन जा रही हो, वहाँ क्या है? एबी कहती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो कहती है, मैं वहाँ बैक्टीरिया का लेवल चेक करने जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पिछले हफ्ते एक नई मशीन। एबी मेगा स्टेशन जाती है, वहाँ रेवन स्पेसशिप को ठीक कर रही है। रेवन एबी को बताती है कि सब हो गया है, अब हमको प्रेशर रेगुलेटर चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो हम चले जाएंगे लेकिन धरती पर पहुँचने से पहले ही मर जाएंगे। एबी चिंतित है, क्लार्क का रिस्टबैंड होने के कारण सिग्नल नहीं आ रहा है, इस कारण वो काफी परेशान है। रेवन कहती है, ठीक है मैं कोशिश कर रही हूँ। धरती पर क्लार्क को चाकू मिलता है जिससे वेल्स को मारा गया था। वो उन्हीं के शिप के डोर से बना हुआ है। क्लार्क कहती है, वेल्स को ग्राउंडर्स ने नहीं, हमी में से किसी ने मारा है। बेलेमी, जैस्पर और ऑक्टेविया भी वहीं पर हैं। क्लार्क चाकू के ऊपर के इनिशियल देखती है, JM। वो कहती है, ये जॉन मर्फी का है, मैं बाहर जाके सबको बताती हूँ। लेकिन बेलेमी क्लार्क को ऐसा करने से मना करता है। मॉर्फी सबको धमका के काम करा रहा है, वो पानी भी नहीं पीने देता। क्लार्क वहां आकर उसे चाकू दिखाकर पूछती है, किसका है? मॉर्फी कहता है, ये मेरा है, तुम्हें कहाँ मिला? क्लार्क कहती है, तुमने आखिर वेल्स को मार दिया, तुमने उसे धमकी दी थी। मॉर्फी मना करते हैं, मैंने उसे नहीं मारा। बेलेमी उसे बताता है कि तुम्हारा चाकू वेल्स की उंगलियों के साथ मिला है। सभी बच्चे क्योंकि मॉर्फी के धमकाने के कारण नाराज हैं, मॉर्फी को खींच के ले जाते हैं और रस्सी से लटका देते हैं। क्लार्क इसका विरोध करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। बेलेमी को क्लार्क बोलती है मॉर्फी को बचाने के लिए लेकिन बेलेमी चुपचाप खड़ा है। फिन कोशिश करता है उसे छुड़ाने की, तभी शॉर्लेट जो इतनी देर से ये सब देख रही है कहती है, इसे छोड़ दो, वेल्स को मॉर्फी ने नहीं मारा, मैंने मारा है। मॉर्फी को बचा लिया जाता है। रेवन नाइजल से मिलती है, बोलती है प्रेशर रेगुलेटर अरेंज करने के लिए। नाइजल रेवन को चीफ ऑफ इलेक्ट्रिकल के साथ रिलेशन बनाने बोलती है। कहती है, केन मुझ पर नजर रख रहा है, प्रेशर रेगुलेटर तुम इस तरह पा सकती हो। रेवन नाराज होकर वापस आ जाती है। बेलेमी, शॉर्लेट, क्लार्क, फिन कैंप में टेंट के अंदर है। बाहर सभी गुस्से में और चिल्ला रहे हैं कि लड़की को बाहर भेजो, हम उसे लटकाएंगे। मॉर्फी इस बात पर अड़ा हुआ है, उसके साथ ही कुछ ही लोग देते हैं। बेलेमी उन्हें समझाने बाहर आता है। मॉर्फी उसे धक्का देकर टेंट में घुस जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं है। क्लार्क, फिन, शॉर्लेट को लेके पीछे के रास्ते से निकलकर जंगल में भाग गए हैं। रेवन एबी से उसके चैम्बर के बाहर मिलने आती है, वहाँ काफी भीड़ है। एबी उसे लेकर अंदर जाती है। रेवन भीड़ के बारे में पूछती है तो एबी बताती है कि ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गई है। वो रेवन से प्रेशर रेगुलेटर के बारे में पूछती है। रेवन बताती है कि वो नाइजल के पास है पर उसने मुझे नहीं दिया। एबी कहती है, अगर नाइजल के पास है तो मैं लेकर आती हूँ। वो नाइजल के पास जाती है, उससे कहती है, मेरे पास मॉर्फिन है, उसके बदले में तुम मुझे प्रेशर रेगुलेटर दे दो। वो केन को आता हुआ देखती है और जल्दी से प्रेशर रेगुलेटर लेके चली जाती है। फिन, क्लार्क, शार्लेट जंगल में जा रहे हैं। क्लार्क शार्लेट से काफी गुस्सा है, वो उसे फटकारती है। वो तीनों मॉर्फी के आने की आवाज सुनकर एक अंडरग्राउंड रूम में जाते हैं। क्लार्क उस जगह को देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि वहाँ काफी सारा सामान था जो उनके काम आ सकता था। क्लार्क अफसोस करती है, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए ग्राउंडर से ही खतरा नहीं है, हमको अपने आप से भी खतरा है। शार्लेट सोने का दिखावा कर रही है पर वो क्लार्क की सारी बातें सुन रही है। आर्क पर अभी रेवन को प्रेशर रेगुलेटर लाकर देती है और बोलती है, हमारे पास टाइम नहीं है, तुम जल्दी से इसे फिट कर दो। केन इंस्पेक्शन कर रहा है, वो नाइजल के पास जाता है, वहाँ अपनी मम्मी को क्लास लेते हुए देखता है। नाइजल उसे एबी और रेवन के प्रेशर रेगुलेटर मांगने के बारे में बताती है। वो एबी की दी हुई मॉर्फिन भी केन को दे देती है। क्लार्क और फिन बैठे हुए सो गए थे, अचानक ही क्लार्क की नींद खुलती है। वो शार्लेट को बेड पे ना पाकर फिन को उठाती है। शार्लेट बाहर भाग रही है, उसे बेलेमी पकड़ लेता है। मॉर्फी लोगों के साथ जंगल में शार्लेट को अभी भी ढूंढ रहा है। शार्लेट बेलेमी
बेलेमी का विरोध करती है। बेलेमी उसे समझाने की कोशिश करता है, तब वो चिल्लाकर मॉर्फी को बता देती है कि मैं यहाँ हूँ। पिन और क्लार्क भी शार्लेट को ढूंढ रहे हैं। रेवन और एनी शिप के पास हैं। एबी का असिस्टेंट उसे बताता है कि मॉर्फिन पकड़ी गई है और केन उसे पकड़ने आ रहा है। एबी रेवन को जल्दी ही प्रेशर रेगुलेटर फिट करने बोलती है। वो रेवन को कहती है, इसके फिट होते ही तुम इसे लॉन्च कर देना, शायद मैं तुम्हारे साथ ना जा पाऊँ, लेकिन तुम अकेले जाना और वहाँ जाकर वहाँ की खबर मुझे बताना। रेवन एबी के बारे में काफी चिंतित है क्योंकि उसे लग जाएगा। पहले कर भाग रहा है तभी सामने मॉर्फी आ जाता है। क्लार्क और फिन भी वहीं आ जाते हैं। मॉर्फी क्लार्क के गले पर चाकू रख देता है। शार्लेट ये देख पहाड़ से नीचे कूद जाती है। वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। पहले में मॉर्फी को मारता है। क्लार्क बीच बचाव करती है। वह कहती है, हम ऐसे नहीं रह सकते, हमको यहाँ कुछ रूल्स बना के रहना होगा और पहले में तुम उन रूल्स को बनाओगे। सभी कैंप लौट जाते हैं। मॉर्फी जंगल में अकेला रह जाता है। आर्क पर केन एबी को पकड़ने आ रहा है। रेवन प्रेशर रेगुलेटर फिट करती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ गड़बड़ महसूस होती है। एबी से केन पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है, मुझे बताओ तुम और रेवन मिलके क्या करना चाहते हो। केन एबी को बताता है कि रेवन का बॉयफ्रेंड फिन जो है वो धरती पर 100 बच्चों के साथ गया हुआ है। यहाँ पर रेवन स्पेस सूट पहन रही है, फिर से प्रेशर रेगुलेटर में प्रेशर भरती है और शिप लॉन्च हो जाता है। केन आवाज सुन के भागता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। मॉन्टी रेडियो ठीक करने की कोशिश कर रहा है कि फॉल्ट होने के कारण जो बचे हुए सारे बैंड है वो भी टर्मिनेट हो जाते हैं। मॉन्टी काफी निराश हो जाता है। ऑक्टेविया जेस्पर को हौसला बढ़ाती है और उसे किस करती है। मॉन्टी हंसने लग जाता है। क्लार्क और फिन रिस्ट बैंड टर्मिनेट होने से काफी परेशान है। इसी टेंशन में एक दूसरे के करीब आते हैं और फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। रेवन शिप में है और शिप तेजी से धरती की ओर आ रहा है।